हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरवीयू नोवल। यह पार्ट 12 है और चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का इस चैनल को इनक्रेडिबल सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पार्ट के बाद जल्दी ही यहाँ पर कम से कम 15 मिनट की वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी और वीडियो को लगभग 24 घंटे देरी से अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सनसेट फॉरेस्ट में ब्लू सिल्वर डोमेन की आंखें हर जगह थीं, जिससे यह प्रोसेस काफ़ी आसान हो गई है। अगले 3 दिनों में तांगसन के ब्लू सिल्वर डोमेन और उसकी बाउंडलेस मेंटल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हुए बाकी बची हुई चारों सोल रिंग के साथ साउबू के लिए भी एक सोल रिंग को खोजने में मदद किया जो साउबू को सूट करे। भले ही 50,000 साल से अधिक की कल्टीवेशन के बहुत सारे सोल बीस्ट नहीं थे, फिर भी वे 100,000 ईयर के सोल बीस्ट की तरह कम भी नहीं थे। तांगसन ने ब्लू सिल्वर डोमेन और बाउंडलेस मेंटल स्ट्रेंथ के कारण इन्हें किसी लूट की तरह लूटा। तांगसन की इस लूट के बाद सनसेट फॉरेस्ट में लगभग 50,000 या उससे अधिक के सोल बीस्ट का सफाया हो गया। इसी के साथ तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर की 9 रिंगों को रिकवर कर लिया। उसी के साथ क्लियर स्काई हैमर की 2 सोल रिंग को भी एब्जॉर्ब कर लिया। यह सभी 50,000 साल या उससे अधिक के हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर स्काई हैमर की बाद वाली 2 सोल रिंग की जानकारी नहीं मिली है, हो सकता है आगे जानकारी मिले। बाकी बची हुई क्लियर स्काई हैमर की सोल रिंग को तांगसन ने ऐड नहीं किया। उसका यह कारण नहीं था कि सनसेट फॉरेस्ट में 50,000 साल से अधिक के सोल बीस्ट नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐड न करने का कारण यह था कि हैमर को सूट करने वाले सोल बीस्ट नहीं मिल पाए थे और तांगसन ने आने वाले समय में जब सही रिंग मिलेगी तब तक का इंतजार करने का फैसला किया। अब तांगसन के पास दोनों ही स्प्रेड में कुल 12 सोल रिंग थे। तांगसन की बॉडी फिर से एक बार बदल गई। सी गॉड की लाइट के कारण तांगसन के एट्रीब्यूट उसकी बॉडी के लिए कोई खतरा नहीं बन सकते हैं। तांगसन की स्किन पर वह गोल्डन लाइट और अधिक साफ हो गई। रात में यह तांगसन को चमका देगी। तांगसन ने खुद की इंटरनल बॉडी को चेक किया। उसकी बोन ने भी फीका गोल्डन कलर दिखाना शुरू कर दिया था। तांगसन ने महसूस किया चाहे उसकी स्किन हो या फिर बोन, यह गोल्डन कलर की हो गई है। वह साउबू के सोल बोन की टेक्निक गोल्डन बॉडी के समान है। ग्रैंड मास्टर ने एक बार बताया था कभी न मिटने वाली गोल्डन बॉडी की भी लिमिट होती है, बस किसी ने भी इसकी लिमिट को नहीं तोड़ा। तांगसन की रिसर्च के अनुसार यह लिमिट 99 रैंक और 100 रैंक के बीच का अंतर हो सकती है। यदि यह 100 रैंक का हो तो अजय गोल्डन बॉडी का अजय हिस्सा बेकार हो सकता है, लेकिन खुद की बॉडी में हुए चेंजेस ने तांगसन को चौंका दिया होता है। तांगसन ने महसूस किया यदि उसकी स्किन, बोन, मसल और ब्लड भी यदि सभी गोल्डन बॉडी के समान गोल्डन कलर में बदल जाते हैं तो उसकी बॉडी वास्तव में अजय हो सकती है। ऐसा होने पर गॉड के लेवल तक के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी दौरान तांगसन की जैसे जैसे सोल रिंग ऐड होती गई उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी बढ़ती गई, जिसमें तांगसन ने अपनी 12th रिंग का एब्जॉर्प्शन तो कुछ ही सांसों में ख़त्म कर दिया। भले ही सनसेट फॉरेस्ट में तांगसन को 100,000 ईयर के सोल बीस्ट का अस्तित्व नहीं मिला, लेकिन तांगसन फिर भी खुश था। जब तांगसन की अभी की स्थिति में सोल रिंग फ्लैश होगी तो वह लोगों को डरा सकती हैं। ब्लू सिल्वर एम्परर की सभी सोल रिंग इस प्रकार हैं: 4 ब्लैक, रेड, ब्लैक, 3 रेड। तांगसन की पहली स्प्रिट के सोल रिंग तो बीबीडोंग की दूसरी स्प्रिट से भी आगे निकल गए होते हैं। तांगसन ने अभी भी नहीं सोचा था कि वह बीबीडोंग को हरा सकेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तांगसन की प्रेजेंट पावर अंकल स्वार्ड चेन सिंह 97 रैंक से कम नहीं होनी चाहिए, बेशक यह सी गॉड ट्राइडेंट को शामिल करने के बाद था, इसके बिना नहीं। आखिरकार 95 रैंक से शुरू होकर प्रत्येक रैंक के साथ दुगनी कल्टीवेशन लगेगी। उस दिन तांगसन ने बीबीडोंग का सामना किया और भाग गया, जिसमें तांगसन के लक, उसकी एबिलिटी के साथ साथ उन दो फॉरेस्ट किंग के डोमेन के इफेक्ट ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तांगसन ने 90 रैंक तक पहुंचने के बाद महसूस किया सोल पावर की रैंक इंक्रीज करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तांगसन ने 750,000 साल के सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन उसकी रैंक 2 सोल रैंक से कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ी थी। प्रेजेंट टाइम में तांगसन का सोल लेवल 92 है, जो कि 93 के करीब है। तांगसन क्लियर स्काई हैमर की सभी रिंग को भर दिया होता तो 94 तक पहुंच सके। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, ग्रैंड सोलैंड मास्टर को एक रैंक बढ़ाने के लिए अक्सर 10 साल लग जाते हैं। इन दिनों में तांगसन को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी हुई वह है सोल बोन की हार्वेस्टिंग को लेकर थी। जिस हिसाब से 50,000 साल के सोल बीस्ट ने सोल बोन को प्रोड्यूस किया था वह कम नहीं था, और साउबू की सोल रिंग के लिए सोल बीस्ट सहित कुल मिलाकर 8 50,000 साल के सोल बीस्ट ने 2 सोल बोन को प्रोड्यूस किया था।
उनमें से एक स्कलबोन भी थी जो साओबू को बेहतर सूट करने वाली थी। तांगसन ने उसे तुरंत साओबू को एब्जॉर्ब करने के लिए दे दिया और साओबू ने भी सोलरिंग और सोलबोन को एब्जॉर्ब करने के बाद साओबू का सही सोल लेवल सामने आ गया जो कि 76 रैंक पर पहुंच गया है। जबकि साओबू को अभी फर्स्ट रेड ट्रायल के रिवार्ड नहीं मिले तो उसकी सोल रैंक इतनी हद तक बढ़ रही थी कि वह श्रेक 7 डेवल्स से कम नहीं थी। साओबू ने जो सोलबोन को एब्जॉर्ब किया उसे माइंड कंडेंसिंग चार्म स्कल कहा जाता है। साओबू ने इसे 3-eyed चार्म फॉक्स से प्राप्त किया जो साओबू की 7th सोल रिंग बनी। इस सोलबोन से साओबू की 2nd सोल टेक्निक एबिलिटी चार्म काफ़ी पावरफुल हुई। तांगसन ने एक बार साओबू के चार्म अटैक को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आजमाया था और वह समझ गया इसका इफेक्ट सभी सोल लेवल के सोल मास्टर को इफेक्टेड करने के लिए पर्याप्त था जिसमें ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी शामिल थे। इसका इफेक्ट अलग अलग लेवल के साथ अलग अलग होगा। इसके अलावा इस सोलबोन ने केवल साओबू की 2nd सोल रिंग की एबिलिटी को इवॉल्व नहीं किया बल्कि उसे कुछ प्रैक्टिकल एबिलिटी जैसे टेलीपोर्टेशन और गोल्डन बॉडी को भी ऐड किया। इन एबिलिटी को ऐड करते हुए युद्ध के मैदान में साओबू की एबिलिटी ने अन्य श्रेक 7 डेवल्स को पीछे छोड़ दिया जो अब तांगसन के बाद दूसरे नंबर पर है। आप सभी मुझसे इससे पहले यह कहने लगो कि गोल्डन बॉडी और टेलीपोर्टेशन साओबू की सोलबोन की एबिलिटी पहले से ही है तो हम बता दें इसका जवाब हमें चैप्टर में अभी नहीं मिला है, लेकिन साओबू की सोलबोन उसे रिजरेक्ट करते टाइम साओबू की सोल रिंग से फ्यूज हो गई थी तो हो सकता है रिजरेक्शन में टेलीपोर्टेशन और गोल्डन बॉडी एबिलिटी खत्म हो गई हो। इसका जैसे ही फ्यूचर में सही जवाब मिलेगा उसी समय हम इसे सही कर देंगे। जहाँ तक तांगसन के पास दूसरी सोलबोन की बात है तो वह तांगसन या साओबू को सूट नहीं करती। साथ ही एक सोलबोन तांगसन ने घोस्ट एल्डर को मारने से लिया था। अब तांगसन के पास 2 सोलबोन है जिनमें से वह एक दाइमोबाई को और एक जुजू क्वीन को देगा। भले ही सोलबोन अच्छी थी लेकिन ग्रैंड मास्टर के अनुसार सोलबोन को उन लोगों को यूज किया जाना चाहिए जिन्हें उसकी सबसे अधिक जरूरत हो और सबसे अच्छा इफेक्ट मिल सके, और तांगसन हमेशा ही अपने टीचर के इंस्ट्रक्शन को याद रखता है। तांगसन जंगल में खड़ा हुआ था, साओबू की ओर देखकर मुस्कुराया और कहता है साओबू देखो, और अपनी तरफ इशारा किया। वह अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल रिंग को एक्टिव कर रहा था और एक के बाद एक रेड एंड ब्लैक 9 रिंग ने एक पावरफुल विजुअल इम्पैक्ट दिया। ठीक इसी समय तांगसन से एक नीली धुंध फ्लैश हुई। इसके बाद एक स्ट्रेंज सीन दिखाई दिया। वह 9 सोल रिंग जो कि ओपोनेंट को बिना फाइट करे ही डरा सकती हैं अचानक बदल गईं। सभी सोल रिंग ने अपने कलर को बदलते हुए अचानक सफ़ेद हो गए। इसके बाद वह साओबू की हैरानी भरी नज़रों के सामने वे सभी रिंग येलो, फिर पर्पल और आखिरी में ब्लैक हो गए। फिर लाइट फ्लैश हुई, 9 रिंग में से एक कम हो गया, फिर और कम, और इसी तरह से सभी 9 सोल रिंग डिसअपियर हो गए। साओबू ने हैरान होते हुए तांगसन से पूछा, यह तुमने कैसे किया? साओबू समझ नहीं पाई। तांगसन की प्रेजेंस के साथ सोल रिंग तेजी से बदल रहे थे। तांगसन मुस्कुराया और अपनी सोल को वापस डीएक्टिव किया और बताता है, यह मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन का यूज करते हुए स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में खोजा था और इन दिनों कुछ रिसर्च के बाद समझ पाया यह एक डोमेन की एबिलिटी के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए, लेकिन यह एक जरूरी छोटी सी चाल है। यह मेरी मेंटल पावर के कंट्रोल में होता है। इसे मैं सोल रिंग का कैमोफ्लार्ज छलावरण कहता हूँ। उनके कलर बदल सकता हूँ, यहाँ तक कि ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कोई सोल रिंग नहीं है। अभी की स्थिति में मेरे सोल रिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। यह कैमोफ्लार्ज की एबिलिटी के साथ मेरी प्रेजेंस को रोक सकता है। हाँ, यह बीबीडोंग के सामने भले ही यूजलेस हो लेकिन इसे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी नहीं समझ पाएगा। साओबू तांगसन की बाहों में उछल गई और कहती है, एबिलिटी अच्छी है, निश्चित ही बहुत सारी परेशानियों को इससे टाल सकते हो। तांगसन ने साओबू को किस किया, साओबू शर्मा गई। ठीक इसी समय तांगसन ने अपना सिर आइस एंड फायर लेक की ओर देखने के लिए उठाया। तांगसन ने देखा कि लाइट की एक गोल्डन रे उस एरिया से आसमान की ओर जा रही है। जमीन पर मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास इस टाइम धीरे धीरे हिल रही है, मानो एक्साइटेड हो रही हो। तांगसन बोला, माँ सक्सेस हुई। तांगसन भी एक्साइटेड होते हुए खुश हो गया। साओबू को नीचे नहीं उतारा, साओबू को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए और राइट हैंड से सी गॉड ट्राइडेंट को पकड़ते हुए सीधे आइस एंड फायर लेक की ओर उड़ गया। भले ही सनसेट फॉरेस्ट एक सोलबीस्ट फॉरेस्ट हो या नहीं, हवा में उनका पावरफुल मेंटल प्रेशर फैल गया जिसने सनसेट फॉरेस्ट में किसी भी सोलबीस्ट को उनके साथ कुछ करने के बारे में सोचने से भी दबा दिया। पलक झपकते हुए तांगसन पहाड़ पर पहुंच गया। वह गोल्डन लाइट फिर भी नहीं रुकी।
टांगसन को उस लाइट से फीकी फैमिलियर फीलिंग आ रही थी जो सीधे उसकी तरफ चला गया थी। यह लाइट ब्राइट लाइट की पावर नहीं थी बल्कि यह इनक्रेडिबल रूप से लाइफ का ऑरा था। यह एक गोल्डन पिलर जैसा दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि टांगसन घाटी में जा पाता वह बहुत बड़ा गोल्डन पिलर अचानक बिखर गया, हवा में बिखरे हुए गोल्डन लाइट के धब्बों में बदल गया और सनसेट फॉरेस्ट की ओर फैल गया। और जैसे ही गोल्डन लाइट के धब्बे टांगसन तक पहुंचे, टांगसन ने लाइफ ऑरा को महसूस किया। ऐसा लगता है आहियन ब्लू सिल्वर ग्रास तक अपना मैसेज पहुंचा रही है। टांगसन के मन में माँ की कोमल आवाज़ गूंजी, मेरे लोगों, मैं आपको निस्वार्थ रूप से अपने आप को समर्पित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे रिवर्थ लेने दिया। यह लाइफ लाइट आपके लिए मेरा गिफ्ट है। मुझे उम्मीद है आप जल्दी ही इससे इवॉल्व होंगे। साओबू ने यह आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि साओबू का ब्लड ब्लू सिल्वर एम्परर का ब्लड नहीं है, लेकिन साओबू अभी भी आसमान और ज़मीन को ढकने वाली गोल्डन लाइट की ओर अट्रैक्टेड थी। साओबू अपनी प्रेजेंस में आ गई। टांगसन ने एक हाथ से साओबू की कमर को पकड़ लिया और दोनों ही किसी बड़े पक्षी की तरह आसमान से नीचे आ गए। वे पहले ही आइस एंड फायर लेक के किनारे चार्मिंग वूमन को देख सकते हैं। उसकी पूरी बॉडी लाइफ लाइट से भरी हुई थी। एक गोल्डन ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए उसका महान स्वभाव उसके अलौकिक चेहरे पर दिख रहा था और उसकी क्रिस्टलीय ब्लू आई। आयन की ड्रेस के चारों ओर गोल्डन रिबन लगे हुए थे और एक फीकी सुगंध हवा में फैली हुई थी। आयन वापस आ गई। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल को अमेजिंग सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। इसका अगला पार्ट एक दिन बाद इवनिंग टाइम में आएगा। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।